नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों में रिजर्वेशन को लेकर। बिहार समेत देश में कोरोना की तीसरी लहर के मामलों में अब जो है लगभग कमी आने लगी है। ऐसे में अब ट्रेनों के परिचालन में भी तेजी लाई जा रही है। बता दें कि इसी महीने में होली का त्यौहार है, इस दौरान ट्रेन में लोड भी ज़्यादा होता है। ऐसे में अब रेलवे ने कोरोना काल के समय लगे नियम कानून को बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि कोरोना काल के समय जनरल कोच में सफर करने के लिए आपको टिकट पहले से ही बुक कराना होता था, लेकिन अब रेलवे ने एक बार फिर से इसमें बड़ा बदलाव किया है। अब आप जनरल में बिना रिजर्वेशन के भी सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस जनरल कोच का टिकट लेना होगा। ऐसे में आपके पास आरक्षण का किराया बच जाएगा। जनरल बोगी में आरक्षण प्रणाली को बंद करने के लिए बोलते हुए पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अब ट्रेनों में सेकंड क्लास बोगी यानी कि जनरल कोच को अनारक्षित कर दिया गया है। आपको बता दें कि मीडिया में इस तरह की खबरें खूब चल रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि रेलवे द्वारा रिजर्वेशन के नाम पर अतिरिक्त किराया वसूला जा रहा है। इसमें इस बात का भी जिक्र किया जा रहा था कि अब जब कोरोना के मामलों में कमी आ गई है, प्रदेश में कोरोना के मामले न के बराबर है, तो फिर ट्रेनों में इस तरह की पाबंदियां क्यों नहीं खत्म कर दी जा रही है। ऐसे में रेलवे ने यह निर्णय लिया कि आम यात्रियों के लिए अब जो है यह नियम लाभदायक हो गया है, क्योंकि अब यात्रियों को रिजर्वेशन के नाम पर अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा। रेलवे की तरफ से एक और अहम बात कही गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 मार्च के बाद से ठंड के कारण रेलवे को जो है कई ट्रेनों को बंद करना पड़ा था। ऐसे में अब रेलवे ने फैसला लिया है कि ठंड के कारण बंद लगभग 100 ट्रेनें जो है अब एक बार फिर से परिचालन में शुरू हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान में होली का समय है, ऐसे में उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के लिए यह एक जो है अच्छी खबर है। हालांकि अभी भी लंबी रूट की ट्रेनों के लिए टिकट में वेटिंग लिस्ट की संख्या में जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अगर होली स्पेशल ट्रेन या फिर दूर की ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच जोड़ने की बात जो है वह कही जा रही है, जिससे कि यात्रियों को लाभ मिल सके। 1 मार्च के बाद से मेमू स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में भी बदलाव किया गया है। इसकी समय सारणी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जिनको में परिचालन में जो है बदलाव किया गया है। ट्रेन संख्या 03671 आरा सासाराम मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन जो कि 7:20 पर खुलेगी और यह जो है 10 बजे सासाराम पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03672 सासाराम आरा मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन यह जो है सुबह के 10:25 पर खुलेगी और यह दोपहर के 1:10 पर आरा पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03673 आरा सासाराम मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन दोपहर को 1:35 पर खुलेगी और यह शाम को 4:35 पर सासाराम पहुँचेगी। ट्रेन संख्या 03674 सासाराम आरा मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन सासाराम से शाम को 5 बजे खुलकर और यह रात में 7:50 पर आरा पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 15073/74 सिंगरौली टनकपुर सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस और 15075/76 शक्तिनगर टनकपुर शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस का परिचालन 31 मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ट्रेन संख्या 08665/08666 भोजुडीह चंद्रपुरा भोजुडीह मेमू स्पेशल ट्रेन यह इसका जो परिचालन है 2 मार्च यानी कि अब जो है इसका परिचालन जो है 1 मार्च से इसकी जो है पूरी तरह से शुरुआत कर दी गई है। तो यह रेलवे यात्रियों के लिए जो है एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि पहले से जनरल बोगी में यानी कि जनरल कोच में सफ़र करने के लिए आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता था, अब जो है उससे छूट दी गई है, आप जो है जनरल टिकट के साथ सफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ कई ऐसी मेमू स्पेशल ट्रेनें हैं जिनके परिचालन में भी बदलाव किया गया है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।